अंजलि की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। अंजलि के शरीर पर 40 चोट के निशान हैं। अंजलि के दोनों घुटने छिले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि अंजलि की आंखों, माथे और नाक पर भी चोट थी, जिसके निशान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं है। इसके अलावा अंजलि के लंग्स शरीर से बाहर आ चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजलि की बॉडी में ब्रेन मैटर नहीं मिला है, यानी खोपड़ी से ब्रेन मैटर भी गायब था। अंजलि से 13 किलोमीटर तक बेरहमी हुई। अंजलि का परिवार निधि के सारे आरोप झूठे बता रहा है। अंजलि के परिवार का कहना है कि अंजलि के साथ हादसा नहीं, उसकी हत्या हुई है। अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहां पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात सर, लेट मी फिनिश सर। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा, और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावला रोड पे गिर गया, और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग। और डॉक्टर भूपेन चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निधारा बात नहीं करूंगा। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। आपने सुना होगा एक झटका होता है और एक हलाल होता है। झटके में जो होता है एक ही बार में हम उसको मार देते हैं, और हलाल में हम धीरे 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 करके उसको मारते हैं। तो यहाँ पे अंजलि के साथ जो हुआ है, दैट इज नॉट अ सिंपल मर्डर, इट इज अ सैडिज्म मर्डर इन विच उसको धीरे धीरे पेन देके मारा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।